मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। मनसा वाचा कर्मणा सेवा त्रिविध कहीजु, कुंज महल की टहल सब याही भांति लहीजु। तत्पश्चात धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की शिक्षा दी, वेदों की इतिहासों की शास्त्रों की शिक्षा दी। इतना कहकर जब उन्होंने देखा कि मृत्यु का समय उत्तरायण आ गया है, तो अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध करके श्याम सुंदर के श्री चरणों में लगाते हुए उन्होंने पुष्प ताग्रा छंद 11 श्लोकों में भगवान की बड़ी ही सुंदर स्तुति की। सभी ध्यान से सुने, वे स्तुति करते हुए कहने लगे, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुख मुपगते क्वचिद विहर तुम प्रकृति मुपेयुषियद भव प्रवा त्रिभुवन कमनम तमाल वरणम रविकर गौरवरांबरम दधाने वपुर्लक कुलव्रतानाब्जम विजय सखेरतिरस्तु मेन वध्या। हे प्रभु, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। अब मृत्यु का अवसर निकट आ गया है, इसलिए अपनी यह बुद्धि जो अनेक साधनों के अनुष्ठान से पवित्र हो गई, जिसने कभी विषयों का संग नहीं किया, भगवान इस बुद्धि रूपी कन्या का मैं आपके श्री चरणों में नौछावर करता हूं, अर्पण करता हूं, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। हे त्रिभुवन कमनीय सुंदर विग्रह नीनमणि झरदर श्याम सुंदर, आपका यह सुंदर मुखारविंद जो घुंघराली अलकावली से युक्त है, मंद मंद मुस्कार और कमल के समान खिले हुए नेत्रों से युक्त है, आपका यह श्यामल शरीर जो पीतांबर से शोभायमान हो रहा है, प्रभु यह छवि मेरे हृदय में बस जाए। मुझे युद्ध के अवसर पर उस घटना की भी याद आती है जब घोड़े की टाप से धूल उड़ रही थी और आपकी घुंघराली अलकावली मटमैली हो गई थी, आपके मस्तक पर श्रम बिंदु शोभायमान हो रहा था और मैं अपने तीखों बाणों से आपके कवच मंडित वक्षस्थल को बींद रहा था, प्रभु वह झांकी मेरे हृदय में बस जाए। आप आज्ञा भारती आज्ञाकारी शिष्य की भांति अर्जुन के सारथी बने थे। तब अर्जुन ने कहा था कि मेरे रथ को कौरवों और पांडवों की सेना के मध्य ले चलो। तब आज्ञाकारी शिष्य की भांति सेवक की भांति उस रथ को आप कौरवों और पांडवों की सेना के मध्य ले गए। आपने अपनी दृष्टि से जब कौरव कुल की सेना को देखा, तब दृष्टि मात्र से उनके बल का हरण कर लिया, प्रभु वह झांकी मेरे हृदय में बस जाए। जब अर्जुन ने कहा ये लड़ने वाले मेरे पितामह भीष्म हैं, मुझे शिक्षा देने वाले मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, मैं इनका वध नहीं कर सकता, इससे अच्छा होगा मैं भिक्षा मांग करके अपने जीवन का निर्वाह करूं, पर मैं रक्त से सनी हुई रोटी नहीं खा सकता। तब उस समय उन्हें मोह हो गया और आपने जो गीता का दिव्य ज्ञान प्रदान किया, क्या सोचानन सोचस्तम प्रज्ञा वादानाश्च भास्से गता सुनश्च नानु सोचन्ति पंडिता। हे अर्जुन, तुम ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करते हो और पंडितों के से वचनों को कहते हो, जिनके प्राण चले गए उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी पंडित जन श्रेष्ठ जन शोक नहीं करते। ना तो ऐसा है मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही होगा कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे। जिन्हें तुम मृत्यु कहते हो वही तो नया जीवन देती है। जैसे जीवात्मा की इस देह में वृद्धावस्था होती है, जैसे जीवात्मा की इस देह में मृत्यु होती है, वैसे ही बालकपन जवानी और वृद्धावस्था होती है। जैसे वस्त्र पुराना होकर बदल दिया जाता है,
वैसे ही वृद्धावस्था से जर्जर शरीर छूट जाने के बाद पुनः नए शरीर को प्राप्त होता है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। हे भारत, इंद्रियों और विषयों के संजोग तो दुख सुख देने वाले हैं, उत्पत्ति और विनाशशील है, इसलिए भारत उसको तू सहन कर। इंद्रियों और विषयों के संजोग से जो व्याकुल नहीं होता वही मोक्ष का अधिकारी है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना जन्मती है ना मरती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वह अच्छा ही होगा। इसलिए भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है, बस अपने कर्तव्य कर्म करो। तुमने क्या उत्पन्न किया जो नष्ट हो गया? तुमने क्या प्राप्त किया जो खो गया? जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। तुम इसे मानकर मोहित हो रहे हो, बस यही मोह तुम्हारे दुखों का कारण है। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे अन्य शरीर की प्राप्ति हो जाती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचिती है अधम शरीरा। इसलिए शरीर को मैं मानना छोड़ दे, ये मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाला है। और अंत में कहा, सर्वधर्मान परित्यजय मामेकम शरणम व्रजहा, अहम त्वा सर्व पापे म्यो मोक्षिष्यामि मा सुचः। हे अर्जुन, अपने समस्त कर्म धर्म को मेरे चरणों में अर्पण कर, उसके बाद तू समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा, इसमें संशय नहीं। प्रभु वह गीता का दिव्य ज्ञान मेरे हृदय में बस जाए। स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृत मदिम कर तुम वपलुथो रथस्ता, धतरत चरणो भया चलद गुर हरिरिव हंतु मे भव गतोत्तरीय। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं भगवान कृष्ण को शस्त्र धारण करवा कर रहूंगा। भक्त का मान न टलते देखा, अपना मान टले सो टले, भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु आपने मेरे वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए, मेरी प्रतिज्ञा को ऊंचा करने के लिए अपने नाश शस्त्र ग्रहण करने की प्रतिज्ञा को छोड़ दिया। जैसे सिंह हाथी को मारे, वैसे ही जब मैं अर्जुन पर बाण चला रहा था, आप रथ का पहिया लेकर मेरी ओर दौड़ पड़े। प्रभु मैं दुष्ट बुद्धि अपने तीखे बाणों से आपके वक्षस्थल को बीनता रहा, आपके वक्षस्थल से रक्त बहने लगा, आप श्रम बिंदु श्रमक्रांत हो गए। प्रभु आपकी इस झांकी का मैं दर्शन करता रहूं, यह दिव्य झांकी मेरे हृदय में बस जाए। एक हाथ में आपके घोड़े की रास थी, दूसरी हाथ में चाबुक थी। उस समर भूमि में जो वीर गति को प्राप्त हो रहे थे, जिस किसी ने आपका दर्शन किया, प्रभु आप इतने दयालु हैं, आपने उसे अपना सारूप्य प्रदान किया। ललित गति विलास वल गुहात प्रणय निरक्षण कल्पितो रुमाना, कृत मनु कृत वत्यौन मधांदा प्रकृति मगन किलयस्य गोप वध्वा। आपकी लटकीली लचकीली मतवाली चाल और सुंदर चितवन से सम्मानित होकर गोपियां प्रेम में मतवाली उन्मादित हो गई। उस प्रेम का प्रतिवर्धन करने के लिए आम उनके मध्य अंतर ध्यान हो गए, तब वे आपकी लीलाओं का अनुकरण करके गोपी गीत गाने लगी। प्रभु आपने दर्शन होके उनके साथ दिव्य रास लीला की। प्रभु यह रास बिहारी की झांकी मेरे हृदय में बसी। युधिष्ठिर जी ने जब राजसूय यज्ञ किया तो सभी आपस में विचार करने लगे कि इस पूजा में सबसे प्रथम पूज्य कौन। सभी ने आपका चयन किया, मेरे नेत्रों के सामने आपकी प्रथम पूजा हुई। प्रभु आपकी वो झांकी मेरे हृदय में बस जाए। जैसे अनेक दृष्टि से सूर्य अनेक दिखाई देते हैं, तत्वता वो एक ही है। जैसे अनेक लकड़ियों से उत्पन्न अग्नि अनेक दिखाई देती है, तत्वता वो एक ही है, ऐसे ही प्रभु आप अपनी माया से मोहित होकर विश्व के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं, पर विचार पूर्वक तत्व से देखा जाए तो भगवान आप एक ही हैं।
मैं अपनी मन बुद्धि चित अहंकार आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। प्रभु आप में मेरी निश्चल प्रीत हो। प्रभु मैं स्पष्ट देख रहा हूं कि मुझे आपकी प्राप्ति हो रही है, मैं आपको प्राप्त हो रहा हूं। प्रभु मैं आपको प्राप्त हो रहा हूं, मैं आपको प्राप्त हो रहा हूं। प्रभु मैं आपको प्राप्त हो रहा हूं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले।